पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बारा जिले के बरियारपुर स्थित गढ़ीमाई मंदिर में हर 5 साल बाद धार्मिक आयोजन होता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानवरों की बलि इसी आयोजन में दी जाती है। लाखों बेजुबान पशुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसकी तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपकी आत्मा भी दहल उठेगी। 2 दिनों तक चलने वाले समारोह में भारत से भी अनेक श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। नेपाल के गढ़ीमाई मंदिर में हर 5 साल में काफी बड़ा मेला लगता है, जिसमें शक्ति की देवी गढ़ीमाई की पूजा करने के लिए 40 लाख से भी ज्यादा लोग सम्मिलित होने के लिए आते हैं। माता को खुश करने के लिए और अपने गुड लक के लिए इस मेले में लाखों की संख्या में भैंसों, पक्षियों और बकरों की बलि दी जाती है। एक एक करके बेजुबान जानवरों और पक्षियों की निर्मम हत्या कर देवी को खुश करने के लिए इनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाद में बचे प्रसाद को ये लोग खुद पकाकर खा जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का पुजारी क्षत्रिय ही होता है। बीते दिनों यहाँ गुडलक के लिए करीब 3 लाख जानवरों की बलि दी गई थी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पशु बलि की यह प्रथा करीब 300 सालों से चल रही है। हालांकि भारत समेत दुनिया भर के लोगों ने पिछले साल हुई पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की थी। पिछले वर्ष 2015 में गढ़ीमाई मंदिर ट्रस्ट ने इस पशु बलि पर रोक लगाने की घोषणा की थी। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि ट्रस्ट पशु बलि पर रोक लगाने की औपचारिक घोषणा करता है। आपके सहयोग से हम 2019 के मेले का रक्त रहित आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं और 2019 के गढ़ीमाई मेले को जीवन के उत्सव का प्रतीक बना सकते हैं। गढ़ीमाई मंदिर में अगली पूजा 2019 में होनी है। देखने वाली बात होगी कि लोग मंदिर ट्रस्ट के आदेश का कितना पालन करते हैं। बीते दिनों यहां आई प्राकृतिक आपदा का कारण भले ही कुछ भी हो, पर प्रकृति को यदि बार बार खुरीदा जाएगा तो एक बार उसका नुकसान तो सभी को भुगतना ही होगा। मानव समाज में प्रचलित इस तरह के उत्सवों को देखकर पता चलता है कि लोगों में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी जमी हुई हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।